back to my channel. So, सबसे पहले I'm really sorry कि मैं आपको इतने दिनों बाद में मेरा ये चिकना थोपड़ा दिखा रही हूँ, लेकिन हुआ ये कि इन दिनों में बहुत ही बिजी हो चुकी थी तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, I'm finally back. लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको दिल भर के थैंक यू बोलना चाहती हूँ. थैंक यू सो 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 मच फॉर बींग माई यूट्यूब फैमिली एंड ऑलवेज चीयरिंग मी अप. आई लव यू सो मच. और फाइनली मुझे पता चल गया कि 6 लाख में कितने जीरो होते हैं. 6 लाख में होते हैं 6 जीरो. Oh my God, I'm a genius. आज के वीडियो पे पॉइंट पर जाने से पहले मैं आपको पढ़ना चाहती हूँ कुछ अजीब गरीब DMs जो कि मुझे इंस्टाग्राम पर मिलते हैं. किसी ने अर्ज करा है, आप फीमेल हो या लड़की? मैं एक मस्त मस्त लॉन्डी हूँ. नेक्स्ट वन इज, कैन यू सेंड योर फुल बॉडी पिक? मेरे पास पिक नहीं है, मेरे पास सिर्फ कुत्ता है. नेक्स्ट, यू आर नॉट अ नाइस ह्यूमन बीइंग. ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ बीइंग, मैं एक आम इंसान हूँ. Do you like Korean boys gold medal emoji or Indian boys gold medal emoji heart emoji? गोल्ड कोरियन छोरा लावे या इंडियन छोरा, गोल्ड तो गोल्ड ही होता है. और आज का लास्ट मजेदार कमेंट है, यू डिस्कस मी. अगर आप चाहते ना कि मैं आपके लिए और भी ऐसे अजीब गरीब कमेंट्स पढूं जो कि मुझे इंस्टाग्राम पर मिलते हैं तो प्लीज कमेंट में बताना. एनीवे गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ 8 things that I don't like about Korea. So, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव अ बिग डिस्क्लेमर जो कि ये है कि मुझे कोरिया बहुत पसंद है और जो कोरियन लोग हैं ना मोस्टली वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ चीज है कोरिया के बारे में जो कि मुझे पसंद नहीं है. सो प्लीज आप इस वीडियो का बुरा मत मानना एंड आई होप यू कैन एंजॉय इट. सो नंबर वन इज हाउ पीपल आर ऑब्सेस्ड अबाउट द वे दे लुक. सो ऑफकोर्स अपना खुद का ख्याल रखना एक बुरी बात नहीं है, लेकिन जो कोरियन लोग हैं ना वो कुछ ज्यादा ही ऑब्सेसिव हो जाते हैं इन द वे दे लुक लाइक एंड दे ड्रेस अप. तो कोरिया में आने से पहले जब भी मैं के ड्रामास देखती थी तो मैं हमेशा सोचती थी कि अरे यार कोरिया में सब लोग इतने मस्त मस्त कैसे दिखते हैं, क्या सच में ही कोरिया में लोग इतने फैशनेबल हैं. जैसे ही मैं कोरिया में आई और जैसे ही मैंने एयरपोर्ट में लैंड करा ना तो मैंने रियलाइज करा कि अरे बाप रे बाप, यहाँ पे सब लोग इतने फैशनेबल इतने स्टाइलिश हैं. एवरीवन वाज सुपर वेल ड्रेस्ड अप, सुपर डैशिंग एंड यू नो ब्रांडेड क्लोथ्स. और उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि जो कोरियन लोग हैं ना वो एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं अपने आप को केयर करने के लिए. और मैं सिर्फ कोरियन लड़कियों के बारे में बात नहीं करी, जो कोरियन लॉन्डे होते हैं ना वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपना मेकअप भी करते हैं, यू नो दे पुट फाउंडेशन, दे पुट लिपस्टिक और जो काजल होता है ना वो भी लगाते हैं ताकि कि उनकी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी दिखे. और हम अजीब गरीब आम इंसान, हम ओनली ड्रेस अप करते हैं जब हमें कुछ इंपॉर्टेंट ओकेजन पे जाना होता है, मतलब कि शादी, बर्थडे पार्टी, फ्रेंड के साथ घूमना, कहीं पर घूमने जाना. लेकिन जो कोरियन लोग होते हैं ना वो 24 घंटे ड्रेस्ड अप रहते हैं. मुझे पता नहीं कि वो कैसे करते हैं, पता नहीं उनके पास कहाँ से ये टाइम मिलता है. इट्स लाइक दे हैव अ सुपर पावर टू लुक फ्लॉलेस एंड एफर्टलेस ऑल द टाइम. काश हमारे पास भी ऐसा पावर हो कि हम हमेशा 24 घंटे इतने मस्त मस्त दिखें. सो द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक दिस इज दैट पीपल फोकस मोर ऑन द अपीयरेंस रादर देन द पर्सनैलिटी. तो इवन दो आपकी पर्सनैलिटी बकवास है, लेकिन अगर आप अच्छा पहनोगे और अच्छा दिखोगे ना तो लोग आपको ऑटोमेटिकली पसंद करेंगे. और ऑपोजिट, अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और आप बहुत ही अच्छे इंसान है लेकिन आप अच्छा नहीं पहनते और आप अच्छा नहीं दिखते तो लोग आपको ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे. सो ऑफकोर्स सब कोरियन लोग ऐसा नहीं सोचते, लेकिन जो मेजोरिटी है, जो 90-80% लोग है ना वो ऐसा सोचते हैं. सो दैट इज क्वाइट सैड. नंबर 2 इज फोटोशॉप. जो कोरियन लोग है ना वो अपनी फोटोज इतना फोटोशॉप करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं. तो जो कोरियन लोग होते हैं ना फोन में जो नॉर्मल कैमरा आता है ना वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करते फोटो या वीडियो बनाने के लिए, और वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं द ब्यूटी कैमरा ऐप. सो लेट मी शो यू. सो जो कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड है वो है वी शेप फेस, एंड यू कैन स्लिम डाउन योर फेस लाइक दिस एंड मेक योर आईज बिगर लाइक दिस. You can brighten up your skin as well and look super white like a ghost. So of course, मैं यहाँ पे थोड़ा exaggerate कर रही हूँ, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो भी आप Instagram पर देखते हैं ना उसके ऊपर आप अंधा विश्वास मत करिए. और honestly, जो मेरे सारे Korean friends हैं ना वो average और good looking है, लेकिन अगर आप उनका Instagram देखोगे ना तो वो सारे celebrity की तरह दिखते हैं. तो उनको इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन they feel the need to change themselves to look better. तो प्लीज आप ऐसा मत सोचना कि सारे कोरियन लोग जो के ड्रामा में एक्टर्स आते हैं वैसे दिखते हैं. ऐसा वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है. जो कोरियन लोग हैं ना वो बहुत ही एवरेज या फिर नॉर्मल गुड लुकिंग होते हैं. जो गुड लुकिंग होते हैं ना वो सिर्फ के ड्रामास में ही दिखते हैं. नंबर 3 इज हाउ होमोजेनियस इज कोरियन सोसाइटी. सो एथनिकली स्पीकिंग नॉर्थ कोरिया के बाद में साउथ कोरिया इज द मोस्ट होमोजेनियस कंट्री इन द वर्ल्ड. इसका यह मतलब है कि कोरियन लोगों को जो मेजोरिटी है ना उनको डाइवर्सिटी पसंद नहीं है. सो दे डोंट इजीली एक्सेप्ट पीपल दैट लुक डिफरेंट फ्रॉम देमसेल्फ. आई नो कि ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक हो सकता है, लेकिन इसके बारे में बात करनी चाहिए. और वो ये है कि जो कोरियन लोग हैं ना जो मेजोरिटी है ना उनको जो व्हाइट स्किन लोग हैं ना वो ज्यादा पसंद है कंपेयर टू डार्क स्किन पीपल. सो आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग चिंता करते हैं कि अगर मेरा स्किन डार्क है क्या कोरियन लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो मुझसे दोस्ती करेंगे, क्या वो मुझको पसंद करेंगे. ऑफकोर्स
इंसान पर डिपेंड होता है, सब लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोग अच्छे होते हैं जो इस चीज के बारे में केयर नहीं करते, लेकिन बहुत सारे कोरियन लोग होते हैं ना, वो काफी कंसर्वेटिव है। सो एक्चुअली मेरे पास एक सैड स्टोरी है इसके बारे में। एक दिन मैं एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में गई थी और मुझे जाना था 3rd फ्लोर पर, तो मैं लिफ्ट का इंतजार कर रही थी और मेरे साथ बाकी बहुत सारे कोरियन लोग लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही लिफ्ट आई और जैसे ही लिफ्ट खुली, लिफ्ट के अंदर था एक फॉरेनर इंसान, और वो फॉरेनर इंसान था डार्क स्किन। सो जैसे ही लिफ्ट खुली, जो सब लोग इंतजार कर रहे थे ना लिफ्ट का, उनमें से कोई भी एक भी इंसान लिफ्ट के अंदर नहीं गया, क्योंकि उसके अंदर था एक डार्क स्किन फॉरेनर। सो इमेजिन हाउ शॉक्ड आई वाज व्हेन आई रियलाइज्ड दैट नोबडी वाज टेकिंग द लिफ्ट बिकॉज ऑफ द पर्सन इनसाइड। मतलब कितनी बड़ी दिक्कत क्या है, लिफ्ट ही तो लेनी है। सो आई वॉज द ओनली वन गेटिंग इन टू द लिफ्ट एंड ऑल द पीपल दे वर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट लिफ्ट। इट्स क्वाइट सैड, लेकिन थैंकफुली जो न्यू जनरेशन है ना, जो यंगस्टर की जनरेशन है ना यहाँ पे कोरिया में, वो काफी ओपन माइंडेड है और काफी फ्रेंडली है फॉरेनर्स के साथ। लेकिन जो आजुमा और जो आजुशी है, जो कि है इन देयर 40s and 50s, वो काफी कंजर्वेटिव है। नंबर 4 इज बिजी लाइफस्टाइल। अगर आप कोरिया में आओगे और अगर आप कोरिया में जॉब करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि कितनी हैक्टिक और कितनी बिजी लाइफ हो सकती है यहाँ पर। मतलब कि कब दिन हुआ और कब रात हुई आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना फास्ट पेस्ड है कोरियन लाइफस्टाइल। जो कोरियन लोग होते हैं ना, वो बहुत ही डिलीजेंट होते हैं, वो इतना काम करते हैं जॉब पर, वो सुबह के 4-5 बजे तक जॉब करते रहते हैं, जॉब पर ही सोते हैं, जॉब पर ही खाना खाते हैं, जॉब पर ही नहाते हैं, सब कुछ जॉब पर ही वो करते हैं। सो उसकी वजह से उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, बिकॉज दे आर सो बिजी। तो जब मैं कोरिया में स्टूडेंट थी ना, तो मेरे इतने सारे फ्रेंड्स थे, हम हर वीकेंड में घूमने जाते थे, कॉफी शॉप पर जाते थे, बहुत सारे मजे करते थे। लेकिन जब मैं जॉब स्टार्ट करने लगी और जब मेरे दोस्त जॉब स्टार्ट करने लगे, हम शायद 6 महीने में 1 या 2 बार मिलते होंगे, बिकॉज वी ऑल आर सो बिजी, वी डोंट हैव टाइम फॉर इच अदर, विच इज वेरी सैड, क्योंकि आपको दोस्तों की जरूरत होती है उनके साथ बात करने की, टाइम स्पेंड करने की। लेकिन कोरिया में अगर आप आओगे ना, तो यू विल नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स टू शेयर योर लाइफ विद। नंबर 5, पीपल डोंट मेक आई कॉन्टेक्ट। सो दिस वन इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि जब मैं कोरिया में आई थी, तो मैंने रियलाइज करा कि लोग है ना एक दूसरे को नहीं देखते, दे नेवर मेक आई कॉन्टेक्ट, दे आर जस्ट ऑन देयर फोन, लुकिंग ऑन देयर फोन एंड दे डोंट केयर अबाउट अदर्स। आई मीन इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन इट्स सो सैड, एवरीवन इज जस्ट लुकिंग डाउन, दे डोंट लुक यू नो व्हाट इज अराउंड देम, दे जस्ट लुक डाउन एंड आई डोंट नो, आई फील दैट इज सो सैड। सो ये वाला पॉइंट कनेक्ट होता है मेरे नंबर 6 पॉइंट से, जो कि है माइंड योर ओन बिजनेस। सो दिस वन कैन बी अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। जो कोरियन लोग होते हैं ना, वो अपने बबल्स में रहते हैं, मतलब कि जो आसपास लोग होते हैं ना उनके बारे में वो केयर नहीं करते। ऑफकोर्स एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको क्या लेना देना दूसरे लोगों से, यू नो दे आर स्ट्रेंजर्स। लेकिन ये एक बुरी बात भी है, क्योंकि जो लोग है ना, वो दूसरों के साथ मिलजुल कर नहीं रहते। सो एक दिन मैं मेरे बस स्टॉप पर थी, वहां पे मेरा बस का इंतजार कर रही थी, और मेरे साइड में बैठी थी एक ग्रैंडमा, और वो सडनली बेहोश हो गई। और उस टाइम मुझे सिर्फ 6 महीने हुए थे कोरिया में, और मुझे सिर्फ टूटी फूटी कोरियन आती थी। तो मैंने सोचा कि जो आसपास के जो लोग हैं ना, वो उस ग्रैंडमा की हेल्प करेंगे, लेकिन सब लोग अपने फोन में थे। तो मैं पास में दूसरे इंसान के पास गई और मैंने उसको बोला कि एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प द लेडी ओवर हियर। तो वो फोन में था, वो बोला कि अच्छा ओके ओके आई हेल्प। सो ही वेंट देयर एंड ही हेल्प हर एंड कॉल सम फैमिली मेंबर्स। सो मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि जो कोरियन लोग हैं ना, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही काइंड लोग हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में इतना फोकस रहते हैं, इतना कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, कि जो उनके आसपास हो रहा है ना, वो उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते। नंबर 7 इज एयर स्मॉग। सो जो कोरिया में एयर क्वालिटी ना, वो काफी खराब है, और आई थिंक कि इंडिया में भी, दिल्ली में भी जो स्मोग है ना, वो काफी सीरियस है। और जो रीजन है एयर स्मोग का, वो है चाइना। मतलब कि चाइना में इतने सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, तो वहां से येलो डस्ट एयर स्मोग यहाँ पे घूम फिर कर कोरिया में आता है। सो आज का लास्ट नंबर 8 फैक्ट है कोरियन बैंकिंग सिस्टम। सो ज्यादातर कोरियन बैंक फॉरेनर फ्रेंडली नहीं है। इसका ये मतलब है कि अगर आपको लोन लेना है ना कोरिया में, मकान खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, या फिर यू नो सिर्फ कुछ मनी चाहिए आपको कुछ अफोर्ड करने के लिए, तो बैंक आपको कभी भी लोन नहीं देगी, क्योंकि आप एक फॉरेनर हो। सो ऑफकोर्स आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि आप फॉरेनर हो तो कोरियन बैंक आप पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि आप पैसे ले सकते हो और भाग सकते हो दूसरे कंट्री में, तो उसकी वजह से वो आपको लोन नहीं देते। लेकिन बहुत सारे अच्छे फॉरेनर्स हैं जो कोरिया में रहते हैं, जिनको यू नो मकान खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है, यू नो उनको कुछ पैसे चाहिए, लेकिन कोरियन बैंक आपको वो पैसे कभी भी नहीं देगा, क्योंकि वो आपको ट्रस्ट नहीं करते। तो अगर आप कोरिया में लोन लेना चाहते हैं ना, तो आपके पास परमानेंट कोरियन वीजा होना चाहिए, ताकि कि बैंक आप पर विश्वास कर सके और आपको पैसे दे सके। सो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको आज का भी छोटा सा अजीब करीब वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे वीडियो और भी देखना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट में बताना। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आपको जल्दी मिलूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए। आई लव यू, बाय बाय।